हो गया ये खत्म, ये 92 लाया ना, बर्बाद हो गया ये। उसका बाप साला टेंशन में आता है, बोले मैं तो इसको मोटिवेट किया, 92 लाओ तुम, खत्म कहानी इसका। बोले क्यों? अब ये तैयारी करेगा, बी टेक, एम टेक, एम एस सी, MBA यही करेगा ना, हाँ या ना? उसके बाद नौकरी, 5 लाख का पैकेज, जिंदगी खत्म, फिनिश। हमारे देश में नौकरी कितने की मिलती मालूम है आपको? 25,000 मिनिमम, जोर से बोलो, और 5 लाख महीना अधिकतम, टैलेंट के हिसाब से। बस 25 से चालू, 5 में खत्म, यही नौकरी हमारे देश में है। जिसका जीवन बर्बाद करना है उसको नौकरी दो। यस, अगर किसी की लाइफ खराब करनी है ना, उसको बोलो नौकरी कर ले साले, तू उसका लाइफ खत्म। एक गाड़ी, एक घर, एक बीवी, फिनिश, ओके, दैट्स इट। सेल्स वालों के पास हर चीज मल्टीपल होता है, और क्या, वी आर एंजॉयिंग आवर लाइफ। तुम क्या हंस रहे, सब पता है मेरे को तुम्हारे बारे में, है ना? तुम ऐसा हंसो वसो मत, वी आर एंजॉयिंग। Why? 92 वाला तो नौकरी करेगा यार, उसका सीधा सिद्धांत है, बीटेक खत्म, कहानी फिनिश, इंजीनियरिंग लाइफ सेट, अमेरिका अमेरिका चला जाएगा, उधर 15 लाख का पैकेज, खत्म, जिंदगी फिनिश। 52% वाले दुनिया चला रहे हैं, यही तो नौकरी देते हैं दुनिया को, यही तो लोगों को नौकरी पर रखते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो वो सामान्य जो व्यक्ति है, सिपाही, इसको TOT बनने का इसके अंदर ताकत है, लेकिन इसको 6 ब्लॉक पार करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? 6 ब्लॉक पार करने पड़ेंगे। तो 6 के 6 ब्लॉक में आपको बताऊंगा, अगर यह पार कर ले गए तो आपको TOT बनने से कोई नहीं रोक सकता। MDRT तो छोटा मोटा खेल है, वो तो हमारे स्टूडेंट एक आध महीने में बन जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। MDRT गेम इज TOT, गेम इज TOT, आगे बढ़ना है अपने को। तो क्या करना है इसके लिए? तो जो पहला ब्लॉक है, प्रथम ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि स्वयं के दम पे जब महानता हासिल की जाती है तो इतिहास में लिखी जाती है। मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका के अंदर जब एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनको ट्रेन से जब नीचे धक्का दिया तो वो जब जमीन पे गिर गए, तो जब वो गिरे थे तो मोहनदास करमचंद गांधी थे, लेकिन जब वो उठे थे अपना कपड़ा साफ करते हुए तो महात्मा गांधी बन चुके थे, और उनको एक मकसद मिल गया था। क्या मिल गया था? उद्देश्य। मैंने बोला जन्म कब होता है? 2 बार, एक बार पैदा हुए, एक बार कम पैदा हुए। वो क्यों पैदा हुए उनको उस दिन मालूम पड़ा। क्या मालूम पड़ा? कि तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं तुमको अपने देश से बाहर फेंकूंगा। उद्देश्य क्लियर, ही बिकेम द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आम आदमी, सामान्य व्यक्ति महान बन गया। उद्देश्य क्लियर है। तो जो पहला ब्लॉक है, ये जो 6 ब्लॉक है जीवन में, उसमें से जो पहला ब्लॉक है, प्रथम जो ब्लॉक है, उसको बोलते हैं सोच को बदलना पड़ेगा। पहला ब्लॉक यहीं पे मर जाता है आदमी, पहला गेम यहीं खराब हो जाता है उसका, प्रथम गेम यहीं खराब होता है, सबसे प्रथम गेम यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। क्या? मैं नहीं कर सकता, सेल्स मेरे से नहीं होगा, एजेंसी में मजा नहीं आ रहा है, एजेंसी छोटा काम है। देखिए, बोलिए, सब कुछ ऊपर वाला है, जोर से बोलिए, नीचे वाले में कुछ ताकत नहीं है, सारा गेम ऊपर वाले के पास है। इधर पहला ब्लॉक, प्रथम ब्लॉक, आधे लोग इधर ही खत्म हो जाते, यही ब्लॉक को क्रॉस नहीं कर पाते, इधर ही खत्म। मैं MDRT नहीं बन सकता, मेरे गांव में ज्यादा पॉलिसी होल्डर नहीं है। एक एजेंट तो मुझे इतना महान मिला, बोलते है, हमारे यहां गली गली में एजेंट है सर, हम कहां जाएं? हमने कहा तो मर जाओ, तो तुम क्यों जिंदा क्यों हो? जब एजेंट है तुम्हारे यहां इतना, तो तुमको किसने बोला एजेंसी करने को? कौन से किताब में लिखा तुम एजेंट बनो? खत्म करो साला, 65 किलो वजन कम होगा धरती का।
थोड़ा पानी बढ़ेगा, आजकल पानी का प्रॉब्लम है, काहे को जिद्दी है तू? एक तो बोलता है कि सर मैं भी एमडीआरटी करूंगा, मैंने कब करेगा, बोले जब भारत के सब एजेंट मर जाएंगे और मैं अकेला एजेंट बचूंगा तो लोग मुझसे ही पॉलिसी लेंगे, फिर तो मैं एमडीआरटी करूंगा ही करूंगा। क्या ख्याल है लोगों के? एक प्रॉब्लम क्या है ना, सोच का प्रॉब्लम इधर, ठीक है। ये जो गेम है, जो सोच है, जो एटीट्यूड है, ठीक है, वो एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। अपनी अवकाश से बड़ा सोचना पड़ेगा। जो चाहिए वो चाहिए, जोर से बोलिए। हाँ, ये एटीट्यूड में आना चाहिए, मेरे को ये चाहिए, कैसे भी मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। सारा खेल ऊपर है, नीचे कोई खेल नहीं है। एक गांव में एक लड़का था, गरीब का लड़का था, उसके घर में 10 भैंसे थी। भैंस को वो चलाता था दिन भर, रात को शाम को राके बांधता था, सुबह दूध निकालता था, वही उसका व्यवसाय था। एक दिन वो सारी भैंसों को बांध रहा था, बांधते बांधते जब 10वीं यानी 10th भैंस के पास पहुंचा तो देखा कि वो जो बांधने वाला रस्सी है, क्या बोलते हैं उसको, क्या? केवा, केलवा, जो भी बोलते समझ लो तुम लोग, ठीक है। तो हमारे यहां गांव में उसको बोलते हैं पगहा, गांव में यूपी में रस्सी मान लो उसको आप। वो रस्सी उसको मिला नहीं, 9 के 9 भैंस को बांध दिया, 10वां भैंस खड़ा है, अब इसको कैसे बांधे, रात का समय है, अगर खोल दे तो बाहर चली जाएगी, पिताजी डांटेंगे, बहुत टेंशन में है, रात भर जाग भी नहीं सकता। तो इंसान जब परेशान होता है, दुखी होता है, तो किसको याद करता है, गुरु को, किसको, कि यार गुरु जी के पास जाते, जहां वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता, उसके जो शिक्षक थे उनके पास गया, बोला इतनी रात को तुम आए, क्या हो गया, बोले सर 3 घंटे से परेशान हूं, वो गाय के गले में बांधने वाला रस्सी है आपके पास है क्या, बोले यार मेरे पास भी नहीं है, एक ही है, वो मेरा गाय बंधा हुआ है। बोले रस्सी तो नहीं है, एक आइडिया देता हूं। बोले क्या आइडिया सर, बताइए। बोले जैसे रोज बांधते हो वैसे आज भी जाओ और बांधने की एक्टिंग करो। तो बोलेगा सर लेकिन वो तो भाग जाएगा ना, रस्सी कहां है। बोले ये किसको पता है, बोला मेरे को, बोला भैंस को थोड़ी ना मालूम है रस्सी नहीं है, तुम जाओ, मैं बोल रहा हूं ना गुरु पे विश्वास नहीं है, नहीं है ना सर, जाओ। अब वो गया, भैंस को ले गया, वो लकड़ी खूंटा बोलते ना खूंटा, उसके पास ले गया, टट टट टट, फिर उसके गले में ऐसे हाथ डाल के ऐसे एक्टिंग किया, ऐसे खींचने का एक्टिंग किया, ऐसा टाइट कर दिया, ऐसे भैंस ऐसे खड़ा हो गया। लेकिन ये आधा घंटा देखा उधर रुक के सोने से पहले कि गुरुजी बोले तो है, विश्वास तो है, लेकिन साली भाग ना जाए कहीं, बाप बहुत मारेगा सुबह, भैंस भाग गई तो। आधे घंटे तक जब भैंस ऐसे खड़ी थी तो जाके सो गया, सुबह उठा, आके पहले काउंट किया, 1 2 3 6 7 8 9 10, भैंस खड़ी है। अब बाकी की 9 भैंस जो खुली थी उसको हटाया, खोल के सब चली गई, ये तो खुली हुई थी उसके हिसाब से, इसको ढकेल रहा साली, आगे नहीं बढ़ रही है, फिर टेंशन, फिर गुरुजी क्या हुआ सर, अब वो आगे नहीं जा रही है। बोले पगले बांधा था तो खोल तो, बोले वो तो खुली है, बोले किसको पता है, मेरे को, उसको थोड़ी ना पता है खुली है। वो गया और उसने भैंस जैसे खोलते हैं, हट 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 हट, और भैंस आगे बढ़ गई। भैंस को रस्सी से कोई मतलब नहीं है, उसके जो अनुभव हैं वो बता रहे हैं कि मैं बंधी हुई हूं। सेम हमारे जीवन में ऐसे नहीं दिखने वाले बहुत सारे रस्सियां हैं जिससे मैंने अपने आप को खूंटे में बांधा है। मेरे गांव में कोई एमडीआरटी नहीं है, मेरे घर में सब गरीब है, मेरे गांव में गाड़ी नहीं है, मैं एमडीआरटी नहीं कर सकता, मेरे मैं गरीब परिवार में पैदा, ऐसा हजारों रस्सी है, रस्सी दिख नहीं रहा, हेलो क्या रस्सी,
ऐसे नहीं दिखने वाले रस्सी में मैंने मेरे को बांधा है। हजारों रस्सियां बांधी हुई है। नहीं, हमारी ब्रांच में आज तक कोई MDRT नहीं बना तो हम ये प्रथा क्यों तोड़ें? ठीक है, मेरे गांव में तो कोई स्टडीज लिया नहीं, कोई होंडा सिटी नहीं लिया है, तो मैं कैसे ले सकता हूं? हमारे यहां बड़ा बीमा नहीं होता। ये सब रस्सी है, हेलो, जो दिख नहीं रहा है लेकिन ये बना हुआ है परमानेंट।